खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इरफान साहब, आपके पास अगर कोई आज के दिन आएगा तो आप उसे सिवैयां खिलाएंगे? इरफान साहब, आज के दिन अगर वो तमाम सैनिक जो वहां पर अपने घर परिवार को छोड़कर आपकी हिफाजत, आपको महफूज रखने के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, तो उनको आप लोग ईद की मुबारकबाद देंगे, मिठाइयां खिलाएंगे? आप पत्थर से उन्हें ईद मुबारक करते हैं? दिल दुखता है मेरा। रूपिका जी, आपको ईद मुबारक और आपके पूरी टीम को हमारी ओर से ईद मुबारक। देखिए, जो आप रूपिका जी बात कह रहे हैं, आपको ये इस बात की जानकारी होगी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, कि कश्मीर में जो ईद या जुमे का जो भी दिन होता है, तो आपने देखा होगा पिछले 30 साल से विशेष तौर पे लोग जब एकत्रित होते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं, और जब उनसे मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं अहिंसा पे विश्वास करता हूँ और इनसे अपील करता हूँ कि आप ऐसा कोई हरकत ना करें जिसे दूसरे साइड को एक कारण मिले आपको मारने का। लेकिन आपको देखना होगा ये जो पत्थर फेंके जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है। आप हमारा जो है इसे एक रूट कॉज थ्योरी समझ के इसे आप रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि कश्मीर का जो एक मुद्दा है, पिछले 30 साल से आप इसे हल नहीं कर पाए हैं। क्या मूल कारण? बिल्कुल, मुझे पता है आप इसका मजाक बनाते हैं। हिंदुस्तान कश्मीरियों से मोहब्बत करता है। मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान नहीं, मजाक बनाते हैं इरफान साहब। मैं यहाँ कह रही हूँ, मेरा दिल दुखता है कि आपको लगता है मजाक बनाते हैं, आपको लगता है इरफान साहब, आपके आपको महफूज रखने के लिए, आपको सिक्योर रखने के लिए कश्मीरियों का बाल तक बाका ना हो उसके लिए तादाद में वहाँ फौज खड़ी है। फौज इसलिए खड़ी है कि आप लोगों को मारा जाए। कैसी बातें करते हैं? फौज इसलिए खड़ी है क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों से कश्मीर के युवाओं को बचाना है। मंत्री है श्री अमित शाह जी। संक्षेप में आप मुझे बाद में बताइएगा, मैं कोशिश कर रही थी इरफान साहब, आप आज भी उसी लाइन पर खड़े हुए हैं। अध्यक्ष भी थे, मुझे याद है अमित शाह जी ने कहा कि कश्मीर एक समस्या है और पंडित नेहरू जी को इसका जिम्मेवार ठहराया। उसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने भी माना जब वो भाजपा के अध्यक्ष थे। मुझे पूरा विश्वास है आज जो अमित शाह जी है एक इंटेलिजेंस है। अरे सर, मान लिया कश्मीर एक समस्या है, जो दिमाग में आपने इन युवाओं के डाल दिया है, मान लिया कश्मीर एक समस्या है, तो समस्या का हल ये है, कश्मीरियत समस्या का हल ये है। क्या कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान के बाकी तमाम युवाओं ने जात पात धर्म को साइड में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, और आप कश्मीर के युवाओं को इस तरीके की बातें करके क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? गौरव भाटिया 10 आतंकवादियों की लिस्ट तैयार हुई है, ऑपरेशन ऑल आउट 2 शुरू हो चुका है। आज भी यहाँ पर लोग मारे गए, नामालूम बंदूक बरदारों ने एक महिला की हत्या की। हम इसकी निंदा करते हैं, चाहे हमारे फौजी लोग मरते हैं, चाहे निर्दोष सिविलियंस मरते हैं। रूपिका जी, मानवता जो है वो इसका वर्स्ट विक्टिम है। हम हमेशा आपके साथ ये बहस करते हैं। अरे हमें भी चिंता है, वो ह्यूमैनिटी है। इसी कारण हम आपसे निवेदन करते हैं, हमें भी इसका दुख है, आपसे निवेदन करते हैं कि कश्मीर समस्या को आप सुलझाइए, इसे हमेशा के लिए आप सुलझाए और यहाँ पर अमन बहाल होगा। मिठाइयाँ बांटिए कि आतंकवादी मर रहा है, मिठाइयाँ बांटिए, आप सिवैया हर रोज खिलाइए जब जब ये लोग मरते हैं, क्योंकि ये कश्मीर को एकदम खत्म करके दम लेंगे। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ गौरव भाटिया, बिल्कुल वैसा ही होगा अगर आप समस्या का समाधान करेंगे। आतंकवाद के मैं आपको विश्वास के मारेंगे? साथ कहना चाहता हूँ, पूरे यकीन के साथ, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई बंदूक नहीं उठाएगा। आप कश्मीर समस्या का समाधान करिए, आप एक इच्छा शक्ति रखिए कि एक राजनीतिक मुद्दा है, इसे हल करना है। और हम आपको ये भी कहते हैं, आप हमेशा कहते हैं भारत के संविधान में आइए, भारत के संविधान में इसे हल करिए, लेकिन इसका एक राजनीतिक हल निकालिए। मैं जानती हूँ आप किसकी इच्छा शक्ति पर काम करते हैं, मैं जानती हूँ कि किसकी इच्छा के आगे आप लोग नतमस्तक हो जाते हैं। कौन होता है ये मसूद अजहर? क्या उसकी हिम्मत, क्या उसकी औकात कि कश्मीर की सरजमी पर उसके नाम के झंडे लहराए जाए? जाकिर मूसा, क्या उसकी हैसियत?
दोजख में आज भी था, कल भी रहेगा, आने वाले वक्त में भी रहेगा। कुछ और आप लोग उसकी आड़ में कश्मीर के युवाओं को बेवकूफ बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हर बंदूक के हाथ खत्म हो जाए। आवाज बंद कर रही है, आप और मैं बहस करते करते पूरा घंटा बीत जाएगा, आप सुनने का नाम नहीं लेंगे। इरफान अफीज लोन की आवाज कम कीजिए। गौरव भाटिया निवेदन करते हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान करिए। रूबिका जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम जोड़ के बहुत सालों से किया जा रहा है। रुकिए, आप निवेदन है कि चुप हो जाइए। द्वारा भाटिया, मैं आ सकता हूँ क्या? कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, इसे विपक्षी तौर पे। रूबिका जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको, सारे पैनलिस्ट को और देश की जनता और दर्शकों को ईद मुबारक हो। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये पत्थरबाज क्या कर रहे हैं और इरफान लोन क्या कर रहे हैं। ये जो खीर है ना, उसकी एक मिठास है। गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश की, उस मिठास में ये कड़वाहट डालने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा रूबिका जी, इतनी इनकी हिम्मत नहीं, ना ही इनकी इनकी क्षमता है कि ये जो गंगा जमनी तहजीब है ना, जो कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है ना, जो कश्मीर लोग हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे दिल में रहते हैं, उनको दूर कर पाए। और आप देख रही हैं, मोदी जी जब दोबारा पूरी ताकत से आए हैं, 130 करोड़ भारतीयों की ताकत उनके पीछे है, और किस तरह से मसरत आलम हो, आसिया अंद्राबी हो और शाबिर शाह हो, वो आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, अमित शाह जी हैं, वो मजबूत गृह मंत्री हैं। और हम लोग बातचीत का हाथ बढ़ाते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, तो ये लोग बातचीत नहीं करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि मानव अधिकारों का क्या पत्थरबाजों और आतंकवादियों के, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मानव अधिकार हम देखेंगे कश्मीरियों के, हम लोग देखेंगे सेना के, और आतंकवादियों के कोई मानव अधिकार नहीं होते, क्योंकि वो मानव नहीं होते। निशांत वर्मा, बिल्कुल आप कुछ पूछ रहे। निशांत वर्मा, आतंकियों के कौन से मानव अधिकार, और मानव अधिकार की आड़ में पत्थरबाजी होगी? गौरव भाटिया रुक जाइए, मैं निशांत वर्मा के पास जाना चाहती हूँ और उसके बाद आपके पास आऊंगी। सीधा सवाल मेरा यही होगा कि आप आतंकवादियों को तो खत्म कर रहे हैं, ये युवाओं के, कश्मीरी युवाओं के दिमाग में जो ये कीड़ा बैठा हुआ है, शक का कीड़ा, आतंकवादियों को समर्थन देने का कीड़ा, इसको कैसे, इसका ऑपरेशन ऑल आउट कैसे करेंगे? मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है, आतंकियों से तो हमारी सेना निपट लेगी, निपटती आई और निपट लेगी, उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन निशांत वर्मा, मैं उत्तर दे दूं या आतंकियों का कौन सा मानव अधिकार? ईद उल फित्र नहीं, गौरव भाटिया एक सेकंड, रूबिका जी, ईद उल फित्र की पूरे तमाम देश, पूरे देश और दुनिया को मेरी शुभकामनाएं। आप एक बहुत संजीदा बात कर रही हैं कि कश्मीरी जो युवा है उसके दिमाग में क्या बात डाली गई है। आज 30 साल 30 ईयर्स, 3 दशकों से वहां पे आतंकवाद पनपा और फैला हुआ है। 3 दशक हुए, किस युवा की बात कर रहे हैं? एक आम इंसान 65 साल की जिंदगी जीता इस देश में, तो युवा ना बोलिए, अधेड़ बोलिए कि 30 साल से वहां आतंकवाद है। इस 30 साल से 11 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, बाकी अन्यों की रही। क्या किया हमने? ताली दो हाथ से जब बज रही है वहां, मैं मानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो नमाज के बाद पहले इत्यादि, अगर वहां ISIS या किसी और आतंकवादी गुट का समर्थन करता है, पकड़ो, जेल में डालो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। वो कड़ी से कड़ी क्या है वो डिफाइन करेगा हमारा कानून। लेकिन सॉल्यूशन, जब तक ये सोल्यूशन नहीं आएगा, जब तक कश्मीर को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां बना के रखेंगी। और मैं सबको कह रहा हूं, कश्मीर पर हमने इतनी बहस की, जिस युवा की आप बात कर रही हैं, रूबिका जी, वो युवा नहीं है। आप कितनी मर्तबा मेरे साथ बहस में शामिल हुए? गौरव भाटिया, ये जो पूरा पैनल है, कश्मीर के युवा, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने कोशिश नहीं की? इरफान हफीज लोन, मुझे ये बताइए, वो इस पर भी मैंने बहस की थी, मुझे याद है, जो केसेस वापस ले लिए थे, जो पत्थरबाज थे, चाहे उसमें संगीन हो, चाहे वो पहली मर्तबा पत्थरबाजी कर रहे हो, उनके केस वापस लिए गए थे ना, शुरुआत की गई थी ना, उससे क्या फर्क पड़ गया बताइए?
और मैं ये सेंटेंस बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, क्या यहाँ पर ये अप्लाई नहीं करता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं? रूपिका जी, अगर आप भी ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं कि ये समझते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी तक भारत सरकार ने जो मिलिट्री लेवल पे जो भी उनका पॉसिबल था वो एग्जॉस्ट किया। परिणाम आपके पास है, क्या कोई परिवर्तन आया है? स्थिति जैसे वर्मा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने सोल्यूशन की बात की कि हमें देखना है कि अगर वाकई ही आप चाहते हैं कि हर बंदूक यहां पर जो खून बह रहा है बंद होना चाहिए, तो जो ये एलिनेशन है, जो डिसइफेक्शन है, इसको एड्रेस करने के लिए कौन चाहता है खून बहाना? पीस प्रोसेस, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की ओर काम करना चाहिए। इससे पहले वाली मेरी बात को इरफान साहब आपने एकदम मिलिट्री साइडलाइन कर दिया। आपको क्या पत्थरबाजों से केस वापस नहीं लिए गए थे? इरफान साहब बताइए ना, क्या सोल्यूशन है? मैं वही कह रहा हूं मैडम, जो यहाँ के युवा है, इन्होंने 30 साल में बंदूक देखा है, इन्होंने खून बहता हुआ देखा है, इन्होंने क्रैकडाउन्स देखे हैं, इन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट देखा है, इन्होंने पेल्ट्स देखे हैं, इन्होंने ब्लड्स देखे हैं, पाकिस्तान की गोली भी देखी है, हिंदुस्तान की गोली भी देखी है। तो आपको इनकी मानसिकता को समझना चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि हम इस समस्या का परमानेंटली कैसे हल करेंगे। अच्छा। आपको याद दिलाना चाहूंगा, अच्छा। हमारे जो हम इनकी कैसे समझे इस मानसिकता को? आपको लगता है आईएसआईएस के झंडे बुलंद करते हुए, जाकिर मूसा की नारेबाजी करते हुए, मसूद अजहर के नाम तस्वीर के नीचे हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरीके की बातें? और मैं कहूँ कि नहीं नहीं, ये झंडा लिए मासूम बच्चा खड़ा हुआ है, वैसा ये बरगलाया हुआ कश्मीर का युवा है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे इरफान साहब आप? गरीबी कहाँ नहीं है मुझे ये बताइए? इनफैक्ट कश्मीर में गरीबी नहीं है। देश को बेवकूफ बना रहे हैं। जितनी गरीबी बाकी हिंदुस्तान में आप भी जानते हैं। कितनी बार मैं ये बात बता चुकी हूँ, एक हिंदुस्तानी पर 4,000 रुपया खर्च होता है और कश्मीरी पर 57,000 रुपया खर्च होता है, उसके बावजूद आपको अपनापन नहीं दिखता है, तो कहाँ ले जाकर आपको अपनापन दिखाया जाए?